हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज जानते हैं कि पौधों में खाद देने का सही तरीका कौन सा है। अगर पौधों में खाद अच्छी तरीके से नहीं दी जाएगी तो पौधों को पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा और पौधे अच्छे से नहीं ग्रो करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बरसात में इस गमले को मिट्टी से पूरा भर दिया था ताकि इसमें बारिश का पानी ना इकट्ठा हो। अब जैसा कि बारिश खत्म हो चुकी है तब हम इसमें डालेंगे वर्मी कम्पोस्ट। ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, पर उसे डालने के लिए अब हमारे गमले में जगह तो बची नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस गमले से 2 इंच तक की मिट्टी को निकाल कर बाहर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे गमले की गुड़ाई भी हो जाएगी और गमले की जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो भी बाहर हो जाएगी। मिट्टी को निकालते समय ध्यान देने वाली बात है कि पौधे की जड़ों को तो नहीं हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। पौधों की जड़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम पौधे से मिट्टी को निकालेंगे गमले से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 इंच तक की मिट्टी लगभग खाली कर ली है। अब जो हमने मिट्टी निकाली है वो देखिए फ्रेंड्स कितनी भुरभुरी है। इस निकली हुई मिट्टी में से सिर्फ हम आधी मिट्टी ही यूज करेंगे। आप जब भी पॉटिंग मिक्स बनाए या फिर खाद दें, इस तरीके से एक पॉलीथीन नीचे बिछा लें ताकि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो प्लेस गंदी ना हो। देखिए फ्रेंड्स, हमने जितनी मिट्टी ली है उतनी ही हम खाद लेंगे। यहाँ पर मैं वर्मी कंपोस्ट यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो गोबर की खाद, पत्तों की खाद या आप जो घर पर किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी नीम खली भी मिला सकते हैं। मैं अपने प्लांट्स को नीम पेस्टिसाइड जो होममेड मैं घर में बनाती हूँ वो मैं लिक्विड वाला यूज करते रहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नीम खली नहीं यूज कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मिक्स करने के बाद आप पॉट में अच्छे से डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से फ्रेंड्स, पौधों को साल भर में 2 बार जरूर खाद देनी चाहिए। एक बारिश के बाद, देखिए फ्रेंड्स, बारिश में पानी की वजह से हमारे जो प्लांट्स के सारे पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं, इसलिए बारिश के तुरंत बाद इनको खाद की बहुत ज्यादा नीड होती है। और उधर जब सर्दियां थोड़ी सी खत्म होने लगती हैं फरवरी से मार्च के बीच में, तब इन्हें खाद देनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, खाद देने के बाद आप जो मिट्टी बची थी हमारे पास उसकी एक पतली सी लेयर इसके ऊपर डाल दीजिए ताकि खाद की वजह से प्लांट में कोई भी फंगस ना लगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट्स को खाद देंगे तो आपको 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी खाद देने की जरूरत नहीं होगी। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है जो धीरे धीरे पोषक तत्व प्लांट्स को देते रहती है। आप चाहें तो बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें दे सकते हैं। इसके बाद हम देंगे अपने प्लांट्स को पानी। पानी अच्छे तरीके से दीजिए ताकि ड्रेनेज होल से नीचे निकलने लगे। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।